murder. Go crazy, berserker. I killed it. It's murder. Go crazy, berserker. I killed it. It's murder. Go crazy, berserker. I killed it. It's murder. Go crazy, berserker. तो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की से खुद पबजी मोबाइल के आर की गेम प्ले वीडियो में। और गाइस एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं भाई, बहुत दिनों से मतलब तुम कह रहे थे कि लेजेंड भाई हाई किल्स नहीं हो रहे आजकल, तो आज वाला गेम प्ले देखते रहना। तुम कहोगे कि भाई मतलब नहीं, तबाही से ही मचा दिया आज तो। तो अभी जो है फिलहाल हम उतरे हुए थे भाई यहाँ पे पबजी की। मुझे उतरते ही भाई सबसे पहले तो ये मिलते हैं S12 के, और थोड़ी देर बाद जब मैं एक आधा घर चेक कर लेता हूँ उसके बाद मेरे हाथ में लग चुकी थी भाई DPO। DPO उठाते ही तुम्हारे भाई ने बंदों पे पुश कर दिया, पर वहाँ पे भाई मुझे मदद लेनी पड़ी थी अपने टीम मेट्स की, क्योंकि भाई वो बंदे ज़्यादा ही हो गए थे और साला मेरे पास तो हेलमेट वेस्ट भी नहीं था भाई। गलती अभी जो है सामने कुछ बंदे दिखे और इन्हें स्प्रे दिया। ये रिपीट किससे हो रहा है अब यहाँ पे? ये वाले बंदों को तो भाई मैंने और फनेटिक परितोष ने भाई अकेले ही मार दिया। अब यहाँ पे जैसे ही इन बंदों की पेटियों से भाई हरा धुआं निकाला, हमने सीधा गाड़ी उठाई, क्योंकि यहाँ पे इतने ही बंदे उतरे हुए थे और दो तीन किल मुझे मिल गए, दो तीन किल मेरे टीममेट्स को मिल गए, तो बढ़िया बात है। अब सीधा हम जाते हैं भाई स्कूल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे बंदे मिल जाते हैं। अब जैसे ही हम अपार्टमेंट पर लाके गाड़ी ठोकते हैं ना, तो पहले तो हमारा टीममेट कह रहा था कि यहाँ से साउंड आई थी, पर यहाँ पर भाई कोई भी बंदा नहीं होता, तो हम यहाँ पर घूमते रहते हैं थोड़ी देर। और इतने में ही भाई मतलब इतने में ही कुछ बंदे स्कूल से फायर कर देते हैं, वो कहते हैं भैया आ जाओ हम ही मार लो। तो मैं देखना कैसे मारता हूँ इन्हें अकेला घुस के। मैं आ रहा हूं, रुक जा तेरे पास गाड़ी लेके। सबसे पहले ऊपर मैंने एक नेड फेंका जिस नेड में कुछ भी नहीं हुआ। अब बारी थी ना पुश करके मारने की, और उजी क्लोज रेंज में भाई देखना दो बंदे कैसे टेक डाउन करेगी, तुम कहोगे कि भाई मतलब मजा ही आ गया। वो सामने वाले दो बंदे तो मैंने इजीली नॉक कर दिए थे, पर उसके बाद जब मैं अपनी HP देखता हूँ ना, तो भाई मतलब भाई एक डंडा ही बच रहा था। अब मैं यहाँ पे आके सबसे पहले हील करता हूँ। मैंने कहा भाई तुम लड़ो, अभी मैं मारूंगा बाद में जाके, पहले हील कर लेते हैं भाई, हीलिंग जरूरी है। किधर है? ऊपर है। और साइड वाले जिन्ने से आके भाई मैंने पूरी की पूरी स्क्वाड खत्म कर दी यहाँ पे, और मेरे टीममेट पहुंचे उन्हें सिर्फ पेटियां ही मिली, पर यहाँ पे और भी बंदे थे। और इतने में ही जो है भाई हमारा एक टीममेट नोक हो जाता है। अब सावन को बचाने की बारी थी यहाँ पे, देखना कैसे नोक करा सामने वाले बंदे को। अब वो वाला बंदा नोकता, पर भाई उसने मेरी 50 HP तो मतलब कम कर ही दी थी। तो सबसे पहले मैं नीचे आता हूँ सावन को बचाने के लिए, क्योंकि भाई अगर रिवाइव नहीं दिया तो भैया टीममेट मर जाएगा बिना फालतू में। अब बंदे जो है मेरे सामने थे गाइस, पर मैं उन्हें मार नहीं सकता भाई यहाँ पे जाके, क्योंकि मेरा टीममेट नोक है, और जब तुम्हारा टीममेट नोक हो तो भाई तुम्हें पुश नहीं करना चाहिए भाई। अभी फिलहाल सबसे पहले से रिवाइव देते हैं, फिर उसके बाद मारेंगे, क्योंकि वो बंदे कहीं भी नहीं जा रहे, और अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो भाई परितोष है ही ऊपर देख लेगा। तीन नॉक आखिरी बचा है, घुस जाओ इधर राइट वाले कमरे में, वाले और क्या कहा था मैंने भाई, बंदे तो कहीं भी नहीं जा रहे। लास्ट में आके इस बंदे को मैंने ही मारा, और यहाँ पे साला मेरा एक किल चोरी हो गया। उस बंदे को मैंने नॉक करा था, पर वो रिवाइव होकर जाके भाई मेरे टीममेट से मर गया। चलो कोई नहीं, बढ़िया किल मिल गया यहाँ पे भी। अभी फिलहाल हम इतनी देर से US वगैरह उठा के घूम रहे थे, पर भाई बात ऐसी थी मतलब हमें कोई बंदे मिल नहीं रहे थे, और हम आते हैं भाई एक एयर ड्रॉप पे। मैंने कहा चलो यार जब कोई बंदे नहीं मिल रहे तो सीधा एयर ड्रॉप लूट लेते हैं, पर जैसे ही मैं एयर ड्रॉप के पास जाता हूँ ना भाई, वहाँ से एक US चलने की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा था, ये बंदे भाई पहले ही हमारा एयर ड्रॉप लूट के लेके जा रहे थे, जिसको कि हम अब लूटने आ रहे थे, मतलब गलत हुआ हमारे साथ। अब सामने मुझे कुछ बंदे जाते हुए दिखते हैं, मैं स्प्रे देता हूँ। यहाँ पे हर बंदे को सिर्फ डैमेज ही दे पाया, एक भी बंदा मैंने नोक नहीं करा, पर यहाँ पे भाई मेरे टीममेट ने एक बंदे को गाड़ी से निकाल लिया। अब हमारी जो पीछे वाली गाड़ी थी उसमें फ्यूल खत्म हो चुका था, सामने मुझे एक गाड़ी दिखी। अब मैंने ये वाली गाड़ी उठाई और मैंने कहा भाई जल्दी आ जाओ वरना वाला बंदा रिवाइव हो जाएगा। अरे वो गाड़ी फ्यूल नहीं, सावन वहां का जा रहा है, घर में रुक गया स्क्वाड हाउस में। अबे नहीं
अब फिलहाल अपने टीममेट्स को बिठाया और भाई हमने यहाँ पे बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में पुश करा था, और इसी चक्कर में भैया एक बंदा परी तो उसको डीसिंग से नॉक कर देता है, और फिर तुम्हारे भाई के जलवे देखना, मतलब भाई नेड भाई क्या ही बरसा इन बंदों के ऊपर। एक बंदा ये नॉक करा और उसके बाद भी भाई दो नेड फेंके। अरे 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 और अभी तक मैंने जितने भी नेड फेंके थे भाई सारे के सारे कनेक्ट हुए थे ऑलमोस्ट, और अभी जो है ऊपर भाई दो बंदे बच रहे थे, तो सबसे पहले मैं पुश कर देता हूँ और अपने टीममेट्स को बुलाता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने इतने ओपी ओपी नेड तो फेंक दिए, पर अगर मैं यहाँ पे मर गया ना उस कैंपर से तो गलत ही सीन हो जाएगा। पर यहाँ पे जैसे ही मेरे टीममेट आ जाते हैं ना, तो तुम्हारे भाई के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था, एकदम घुसा और पिल दिया। अब यहाँ पे आ चुकी थी भाई हाथ में M249, और ये गन जब तुम्हारे हाथ में हो ना तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भाई अलग ही लेवल पे, क्योंकि इस घर में ना 100 गोलियाँ गिरे हैं, और इतने में ही सामने से एक और यूएस आ गई। अभी फिलहाल एक बंदे को तो मैंने निकाल लिया था, और इतनी देर में भाई मेरा जनरेटर खत्म हो गया पता नहीं कैसे। मैंने घड़ी वाले बंदों को गाइस बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, पर साला एक ही किल मिला, कोई नहीं। अब यहाँ पे इन बंदों की भी भाई पेटी इजीली बना दी, और ये बंदे कह रहे होंगे भाई ये कौन से जल्लाद से बंदे थे, मतलब एक ने तो जनरेटर स्टार्ट कर दिया और दूसरे टीममेट भी भाई मारे ही जा रहे थे। फिलहाल मजा आ गया था भाई इन बंदों को भी मार के पूरा। अब यहाँ पे हम अपनी यूएस उठाते हैं और हम जाते हैं भाई नोवो के ब्रिज की तरफ, क्योंकि ब्रिज पे मोस्ट ऑफ द टाइम बंदे कैंप कर ही रहे होते हैं। अभी हम जैसे ही ब्रिज पे आए ना, और यहाँ पे हमने एक रिच पे रोकी, सामने कुछ बंदे थे, और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने फेंका नेड, क्योंकि मैं ना कुछ ज़्यादा ऊपर में चला गया था और मुझे लग रहा था कि हाँ भाई अब मेरी पेटी बन सकती है, तो तुम्हारे भाई ने सबसे पहले यहाँ पे नेड वगैरह फेंके, और नेड भाई क्या ही फटे। नॉक पुश करना है। हाँ हाँ आ गया, तू कवर दे सावन। हाँ तो अगर तुम्हें ये वाला सीन पसंद आया हो तो इस वाले वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर तुम नहीं हो उस वाले यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। अभी फिलहाल पीछे वाली टीम मारती थी, एक टीम सामने थी, और उस बंदे ने मेरे जैसे ही डैमेज दिया भाई मैं सीधा प्रोन हो गया। मैंने कहा भैया नहीं मत मारो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। फिलहाल मैंने अपने सामने स्मोक कर दी थी, मैंने कहा यार चलो अगर थोड़ा सा पार्ट वगैरह दिख रहा होगा कहीं से मार ना दे, क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे मार देते हैं थोड़ा सा भी दिख रहा होता है। तो अब मैंने अपने टीममेट्स को कहा, मैंने कहा भाई चलो इन पर पुश करते हैं। अब मेरा एक टीममेट कह रहा था कि भाई इन पर गाड़ी उठा के पुश करेंगे, मैंने कहा नहीं भाई पैदल भी कर सकते हैं, दो स्मोक है अपने पास, दोनों घेर दो इनके आगे, अंधे हो जाएंगे साले। अब फिलहाल हमने वैसे ही करा, इन बंदों के आगे स्मोक वगैरह घेरी और भाई सीधा पुश कर दिया इन बंदों पे। मैंने भी डाल दिए। एक और को 1 HP कर दिया। पर यहाँ पे इन बंदों की भाई किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, ये दो बंदे यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे थे, और इनके दो बंदे पता नहीं भाई कहाँ हैं, पूछ लेना चाहिए था वैसे इन बंदों से कि भाई कहाँ हैं तुम्हारे, दो तीन बंदे ही थे यहाँ पे सिर्फ। अब यहाँ पे मेरे टीममेट को भाई एक बंदे की साउंड आती है, और इतने में ही उसे नॉक कर दिया था जोन के बाहर। अभी फिलहाल इनने बताया था गाड़ी के पीछे है, तो मैं सीधा मोली फेंक देता हूँ। और लास्ट में उस बंदे को मार भी दिया। अब देखो भाई ये मोली में जा रहा था, मैंने कहा भाई मोली में क्यों जा रहा था, तो अगर इसके मोली लग जाती ना तो वही के वही खत्म हो जाता साला। गाड़ी 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 सामने। अभी फिलहाल हमने एक डासे उठा ली थी, और डासे उठाने के बाद हमें एक सामने यूएस दिखी, और इस यूएस को तो भाई क्या ही भगाया। फिलहाल एक बंदा यूएस में से उतार लिया था, एक बंदे को टावर पे नोक कर दिया था, और यूएस वाले बंदे जो थे ना भाई वो अपना टीममेट को छोड़ के ही भाग गए थे, तो यहाँ पे तुम्हारे भाई को इजीली उसका किल मिल जाएगा, क्योंकि भैया इसके साथ गलत हुआ बेचारे को, मैंने चलती गाड़ी से उतार लिया और एक बंदा तो भाई टावर पे क्या ही नोक करा। हाँ हाँ तो इसके बंदे तो देखते हैं ना, चल आजा कुछ।
मैं जो है अपने टीममेट्स को कहता हूँ, मैंने कहा भाई सीधा टावर पे चढ़ो क्योंकि भाई मुझे इसका किल चाहिए। साला अगर मेरा किल चोरी हो गया ना तो भैया गलत सीन हो जाएंगे, केडी वगैरह नहीं बढ़ेगी। और अब जो है भाई मैं अपना किल वगैरह भी सेव कर देता हूँ, भाई अलग ही मजा आ गया था। अब मैं कहता हूँ, मैंने कहा चलो यार यहाँ से चलते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत बंदे पेल दिए। और गाइस 20 किल हो चुके थे अपने, और यहाँ पे वाली गाड़ी दिखती है हमें जिसको कि भाई हमने बहुत सारी गोली मारी थी और गाड़ी में से अभी तक धुआं निकल रहा था। सामने दो बंदे थे इसी गाड़ी वाले, एक नॉक लेफ्ट में। जिनमें से कि भाई एक का भी किल तुम्हारे भाई को मिला ही नहीं, मतलब गलत ही सीन हो गया भाई, इन्होंने ही चुरा लिया किल। देख रहे हो भाई क्या ही एचपी बची। फिलहाल ये वाले किल जो है भाई इन्होंने चुरा लिए थे। और सावन को इधर भी एक बंदा दिखा था, अब उस बंदे के ऊपर भाई वो अकेला बंदा था और हम उसके ऊपर भाई इतना अत्याचार कर रहे थे ना, मतलब तीन तीन बंदे पुश कर रहे थे उसके ऊपर। कोई पत्थर पे वाले और लास्ट में इसका किल मुझे ही मिल गया। 22 किल हो चुके थे। अब फिलहाल सिर्फ यहाँ पे एक बंदा बच रहा था तो इजी चिकन डिनर हो ही जाएगा अपना। और एक और बारी मैं तुम्हें याद दिला दूँ, लाइक नहीं करा तो भाई लाइक कर दो। आखिरी बंदे को कहाँ ढूंढा भाई। तो चलो गाइस एक यहाँ पे इजी चिकन डिनर तो हो गया था, पर यहाँ पे तुम मेरा डैमेज देख लेना, किल देख लेना और भाई मुझे बताना कि यार मैं एमवीपी क्यों नहीं बना। भाई मुझे एमवीपी बनना चाहिए था। तो होप से तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वाले वीडियो पे लाइक जरूर करना, नहीं हो तो इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे भी इसी तरीके की गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आके फॉलो कर लेना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।